सो अगर आप लोग कालिनक्स यूज करते हैं तो आप लोगों के लिए एक नया डिस्कवरी आ चुका है, और आप लोगों को बता दूं कि कालिनक्स अपने 10th एनिवर्सरी पे एक नया कालिनक्स लॉन्च कर चुका है, और वो है 2023.1, और इसे आप लोग कह सकते हैं कालिनक्स पर्पल भी। आज मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे, अगर आपके पास पहले से कालिनक्स अपग्रेडेड है, कालिनक्स अगर इंस्टॉल्ड है, तो इसे कैसे अपग्रेड कर सकते हैं कालिनक्स पर्पल पे, और इसके कुछ बेनिफिट्स जो है, क्या स्पेशल फीचर्स आ रहे हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। कालिनक्स पर्पल में आपको मिल जाता है 100+ जो है डिफेंसिव टूल मिल जाता है, जो कि आपके काम को बहुत ही आसान कर देता है, और आप लोग एकदम अच्छे से जो भी करना चाहे आप आराम से कर सकते हैं। और कालिनक्स पर्पल में आपको न्यू वॉलपेपर भी देखने मिल जाते हैं, जो कि इसका लुक बहुत ही फैंटास्टिक बना देता है। सो फ्रेंड्स, कालिनक्स का जो सबसे पहला बेनिफिट है, इसमें आपको मिलता है डिफेंसिव सिक्योरिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी इसमें आपको मिल जाता है। उसके बाद सर, आपको मैं बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आप लोग कैसे कालिनक्स 2022.4 कैसे अपनी वीएम में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग उसी एनवायरनमेंट में अपना अपग्रेड करके दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे कालिनक्स को कालिनक्स पर्पल में अपग्रेड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप लोग कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपना देखना है कि जो अपना प्रोडक्ट है इसका अभी जो वर्जन है, ये कौन सा वर्जन है। तो ये वर्जन चेक करने के लिए चलें, हम लोग सबसे पहले रन करते हैं अपना पहला कमांड, जो कि है sudo cat /etc/os/release। और जैसे ही ये लिख के हम लोग एंटर हिट करते हैं, तो यहाँ पासवर्ड मांग रहे हैं, क्योंकि हमने sudo यूज़ किया, तो यहाँ पे हमें पासवर्ड मांग रहे हैं अपने अपर यूज़र का, पेरेंट यूज़र का। तो इसके लिए हम लोग पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो वर्जन है, ये वर्जन है 2022.4। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 2022.4 से अपग्रेड करने वाले हैं 2023.1, जो कि अपना कालिनक्स पर्पल। तो चलिए हम लोग इसे अपग्रेड करते हैं। सो फ्रेंड्स, बार बार sudo लिखने से अच्छा है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रूट यूजर से लॉग इन कर लेते हैं। तो रूट यूजर से लॉग इन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, sudo root। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये root यूजर से लॉग इन हो चुका है। अब रूट यूजर से लॉग इन होने के बाद आप लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना जो पैकेज लिस्ट है या पैकेज का डेटाबेस है, इसको हम लोग पहले अपडेट कर लेते हैं। तो अपडेट करने के लिए इसका जो कमांड ये है sudo apt update, और उसके बाद से एंटर हिट करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये अपना काम करना स्टार्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अपना जो पैकेज लिस्ट है, पैकेज लिस्ट अपडेट हो चुका है। अब लोग क्या करते हैं, अपने पैकेजेस को जो है इसको अपग्रेड करते हैं। तो इसके लिए जो अपना कमांड है आपका sudo apt dist upgrade। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन को अपग्रेड करेंगे। तो हम लोग एंटर हिट करते हैं। तो यहाँ पे एक एरर आ चुका है कि dpkg was interrupted, you must manually run sudo d। तो ये जो कमांड दिया है, इसे हम लोग रन कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये मे भी सही हो चुका है। अब हम लोग दोबारा से अपने जो ऊपर वाला कमांड था, ये हम लोग रन कर देते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये सक्सेसफुली ये स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 513 MB का एक फाइल जो है ये डाउनलोड होगा। तो हम यस कर देते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि इसमें तकरीबन मतलब हार्डली आपका 1 घंटे के अंदर ही ये जो है ये सारा काम हो जाने वाला है। तो मैं पूरे 1 घंटे का वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं आपको कट कर करके जहाँ जहाँ कुछ मतलब यूज़र एक्शन लगेगा वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है। सो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के वीडियो देख सकते हैं अगर आपको बोर लग रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके, तो आपको वीडियो समझ में आता होगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इसी के लिए आप वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़ जल्दी से जाके आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके से वीडियो और भी मैं लाते रहूँ और आप लोगों का हेल्प करते रहूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो है ये आपका जो पैकेज है, ये सारा कुछ डाउनलोड कर चुका है और यहाँ पे इंस्टॉल करना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस 0% है। तो जैसे 100% होता है, तो शायद उसके बाद से अपने जो है कालिनक्स पर्पल ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद से भी 2-3 स्टेप्स हैं, ये करना जरूरी है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखते रहें। सो फ्रेंड, जैसे ही अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन अपडेट हो जाता है, इसके बाद से हमें क्या करना, अपना जो PC है, अपना जो वर्चुअल बॉक्स है, इसको रिस्टार्ट कर। तो रिस्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कमांड चलाएंगे sudo reboot now। तो जल्दी से हम लोग कमांड रन कर लेते हैं, और रन करते हैं तो ये क्या होगा, अपना रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद जो कुल के आएगा वो हम लोग देखते हैं क्या आप क्या। सो फ्रेंड, इसके आगे भी और भी कुछ स्टेप्स है, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें या कट ना करें, वरना आगे जो भी एसेंशियल स्टेप्स है वो सारे मिस होंगे। तो आपके में भी हो सकता है कि आपका जो कालिनक्स है ये ढंग से ना चल पाए, या कोई भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। सो फ्रेंड, जो मेरा VM है, VM रिबूट हो चुका है। अब रिबूट होने के बाद हमें चेक करना है जो अपना वर्जन है। जैसे कि आप लोग देखे थे, सबसे पहले जो स्टेप किया था कि जो वर्जन दिखा रहा था वो 2022.4 दिखा रहा था। अब हमें दोबारा से वर्जन चेक करना है कि अपना जो वर्जन है ये क्या शो कर रहा है।
चलिए सेम कमांड हम लोग दोबारा से रन करते हैं और रन करके हम एंटर हिट करते हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो वर्जन है ये वर्जन चेंज होकर 2023.1 दिखा दिया। अब हम इसके आगे भी और भी 3 से 4 स्टेप्स है तो वो सारे फॉलो करने, चलिए मैं आपको आगे बता। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपग्रेड करने अपने सोर्स लिस्ट को, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे राइट क्लिक कर पेस्ट कर देता हूँ, ये मैं कॉपी कर चुका हूँ और यहाँ मैं एंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ आ गया हुआ है। सो यहाँ पे ये सक्सेसफुली हो चुका है। सो फ्रेंड, जैसे ही सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो है ये कालीनक्स पर्पल इन शॉर्ट हो गया है। और अगर आपको वाईपर इसका डाउनलोड करना है तो सिंपली आप लोग ये कमांड प्रिंट कर लें और यहाँ एंटर हिट कर दें, यहाँ पासवर्ड मांग रहे हो, पासवर्ड डाल के एंटर हिट कर दें और देखते हैं कि ये जो है अपना वॉलपेपर इन शॉर्ट कर दे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपना वॉलपेपर सेटिंग ओपन करके देख लेते हैं, चेंज बैकग्राउंड क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं कालीनक्स पर्पल का जो है ये हमारे पास आया या नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये देख सकते हैं कि ये अपडेट होते जा रहे होते जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये अपना कालीनक्स पर्पल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं जानता हूँ इसमें कोई ना कोई इश्यू तो जरूर आएगा, मुझे ही फेस हुआ था, तो अगर आपको कोई भी इशू इसमें फेस होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, हम लोग साथ बैठ के इसको डिबग करेंगे और सही कर सकते। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।